कैसे हो गाड़ियों के दीवानों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मई के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियां कौन सी हैं। आगे बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा देना, क्योंकि आप में से सिर्फ 2.5% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना इधर उधर की बात किए। 10th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 10,528 यूनिट्स बिकी हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। अर्टिगा में पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। अर्टिगा 8.64 लाख से शुरू होकर 13.08 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। 9th पोजीशन पर है टाटा की पंच, जिसकी 11,124 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत के अंदर मई के महीने में। पंच सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शन में आती है। पंच 6 लाख से शुरू होकर 9.52 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। 8th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, जिसकी 11,315 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। डिजायर पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शंस में आती है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में सेडान्स का मार्केट बिल्कुल डाउन चल रहा है, पर फिर भी हर बार डिजायर टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना ही लेती है। डिजायर 6.51 लाख से शुरू होकर 9.39 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। 7th पोजीशन पर है मारुति की इको, जिसकी 12,818 यूनिट्स बिकी है मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। इको में भी पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। इको 5.27 लाख से शुरू होकर 6.53 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। 6th पोजीशन पर है मारुति की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा, जिसकी 13,398 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में मई 2023 में। ब्रेजा भी पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शंस में आती है। ब्रेजा 8.29 लाख से शुरू होकर 14.14 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। 5th पोजीशन पर है हम सबकी फेवरेट एसयूवी टाटा की नेक्सन, जिसकी 14,423 यूनिट्स बिकी हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। वैसे देखा जाए तो नेक्सन और ब्रेजा की सेल्स में कुछ खास अंतर नहीं है, लगभग 1,000 यूनिट्स का ही फर्क है जो जब चाहे खत्म हो सकता है। नेक्सन पेट्रोल डीजल और ईवी तीनों ऑप्शंस में मिलती है। नेक्सन 7.80 लाख से शुरू होकर 19.54 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। ये जो प्राइस है वो ईवी का मिलाकर है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्सन और ब्रेजा दोनों को पीछे छोड़ के 4th पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 14,449 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में मई 2023 में। देखा जाए तो नेक्सन और क्रेटा में सिर्फ 26 यूनिट्स का ही फर्क है, जो शायद अगले महीने नेक्सन आगे निकल जाए क्रेटा से। क्रेटा पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में मिलती है। क्रेटा 10.87 लाख से शुरू होकर 19.20 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। 3rd पोजीशन पर है मारुति की वैगनर, जिसकी 16,258 यूनिट्स बिकी हैं मई के महीने में पूरे भारत के अंदर। वैगनर पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शंस में आती है। वैगनर 5.54 लाख से शुरू होकर 7.42 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। 2nd पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 17,346 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत के अंदर। स्विफ्ट भी पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शंस में मिलती है। स्विफ्ट 5.99 लाख से शुरू होकर 9.03 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी की, तो वो है मारुति की बलेनो, जिसकी 18,733 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत के अंदर मई 2023 में। आप लोगों को पता ही होगा कि मारुति ने बलेनो पर बेस्ड एक नई क्रॉसओवर एसयूवी फ्रॉन्क्स को लॉन्च किया है, जिसकी सेल्स लॉन्च होते ही काफी अच्छी हुई थी, पर मई 2023 में फ्रॉन्क्स अपनी जगह टॉप 10 की लिस्ट में नहीं बना पाई है। लोगों का कहना था कि फ्रॉन्क्स बलेनो की ही सेल्स को अफेक्ट करेगी, पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। उल्टा बलेनो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई है मई के महीने में। बलेनो में पेट्रोल और सीएनजी दोनों इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। बलेनो 6.61 लाख से शुरू होकर 9.88 लाख तक की मिलती है एक्सशोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। तो ये थी मई के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियां। आप देख ही सकते हैं कि टॉप 10 की लिस्ट में 7 गाड़ियां तो मारुति की ही हैं और 2 टाटा मोटर्स की, और इकलौती गाड़ी है हुंडई की। मतलब कि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि मारुति को टक्कर दे सके सेल्स के मामले में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना।
सुनना और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं कोशिश जरूर करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद। तो चलता हूँ गाड़ियों के दीवानों, वाहेगुरु जी मेहर करन सारिया ते।